हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय करियर एकेडमी। दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए। JSSC में रिक्रूटमेंट शुरू हो चुका है और 285 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती शुरू हो चुकी है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, आपको आयोग की वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में भी दे रहे हैं। दोस्तों, यह हमारा चैनल उदय करियर एकेडमी सभी प्रकार की टेक्निकल भर्तियों से संबंधित है। ITI हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, जो भी आपने किया हो, जो भी आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपके लिए चैनल यूजफुल है। सभी प्रकार के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिलती है और टेक्निकल एजुकेशन के बारे में जानकारी मिलती है, टेक्निकल कोर्सेज के बारे में जानकारी मिलती है। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिस पर टेक्निकल कोर्सेज भी चलते हैं, टेस्ट सीरीज भी चलते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। दोस्तों, यह लेटेस्ट न्यूज है, आप पहले यहाँ पे डेट देख लीजिए, समय देख लीजिए और हिंदुस्तान ब्यूरो की तरफ से ये न्यूज आ रही है। JSSC झारखंड के विभिन्न विभागों में 285 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या विभाग हैं जिसमें ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। JSSC रिक्रूटमेंट 2021 नोटिस रिलीज। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके तहत राज्य की विभिन्न विभागों में 285 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति होगी, जिसमें विद्युत, असैनिक और यांत्रिकी कनीय अभियंता शामिल हैं। JSSC की इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इसमें जो अप्लाई करना है आपको, 23 जनवरी से 25 फरवरी तक फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। 25 जनवरी 27 जनवरी तक परीक्षा शुल्क का भुगतान और फोटो व हस्ताक्षर अपलोड होंगे। परीक्षा शुल्क 100 रुपये है, लेकिन SC ST वर्ग के लिए 50 रुपये यह शुल्क निर्धारित किया गया है। इस प्रतियोगिता में केवल सिर्फ मुख्य परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा दो पत्रों की दो पालियों में होगी। पहले पत्र में सामान्य अभियंत्रिकी के 80 प्रश्न तथा सामान्य ज्ञान के 20 अंक होंगे। दूसरे पत्र संबंधित विषय का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे, जबकि गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट दिया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के ये संबंधित विषयों में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, जैसे कि आप कनीय अभियंता मैकेनिकल के लिए हैं तो मैकेनिकल का डिप्लोमा होना चाहिए, और अगर आप JEE के लिए हैं तो JEE में, मतलब JEE इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और आगे लिखा है कि 10वीं तो उत्तीर्ण होने चाहिए, उसके बाद ही आप डिप्लोमा करते हैं। और यहाँ पे पदों की संख्या दी गई है। कनीय अभियंता विद्युत की देखेंगे तो अनारक्षित 46 हैं और असैनिक में 188 अनारक्षित हैं, यांत्रिकी में 51 अनारक्षित हैं। उसके बाद SC ST SC के लिए जो है 19, 77 और 13, ये तीनों अलग अलग विभागों में है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का इसी तरह दिया गया, पिछड़ा वर्ग का दिया गया और आर्थिक रूप से कमजोर का भी इसी तरह से दिया गया। तो टोटल जो पदों की संख्या है वो 285 है, तो एक अच्छी वैकेंसी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको इस तरह की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।